everybody and welcome to a brand new episode of Dream Team for your perfect wedding. मैं हूं आपकी होस्ट अनुषा असद और मैं आपके लिए इस हफ्ते फिर लेके आई हूं एक अमेजिंग किस्म का जैम पैक्ड शो। मगर इसके साथ मैं आपको एक मजे का किस्सा सुना दूं कि मैं गई हुई थी इस्लामाबाद एक शादी के लिए और मैं सीधी मोटरवे से ये शो करने आ गई हूं। तो पहले तो आप मेरी डेडिकेशन देख लें कि आप लोगों का शो है और आप लोगों का शो करने के लिए मैं किस तरह आपका साथ देती हूं, तो आज आप मेरा भी थोड़ा सा साथ दीजिएगा प्लीज़। और अगर कहीं मैं थोड़ी स्लो हो जाऊँ या एनर्जी लूज हो जाए तो प्लीज़ समझ जाएँ कि क्या वजह है। और शादी पर इस्लामाबाद में मुझे एक फ़ैन मिली जिन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन की। हर दफ़ा मैं ईमेल पढ़ती हूँ मगर आज मैं उन लोगों का नाम जो कि शो देख रहे हैं, और अगर कहीं टकर गए मिल गए तो आके अप्रिसिएशन करें शो की, होस्टिंग की, हर चीज की। सो नाजिश आंटी इन इस्लामाबाद, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द शो, थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन। और आपने इतना एफर्ट किया, वॉकअप करके आप आई और आपने इतनी तारीफ की शो की, थैंक यू सो मच। आई होप यू आर वॉचिंग द शो। आज का हमारा टॉपिक है मेहंदी, और मेहंदी के हवाले से हम पहले भी बहुत शोज कर चुके हैं बट एज यू ऑल नो हर दफ़ा हमारा शो डिफरेंट निकलता है बिकॉज हमारा ड्रीम टीम पैनल डिफरेंट होता है। और आज हमारे साथ पैनल पे फिर से डिफरेंट लोग हैं मगर ये सेट जिन्होंने किया सलमान गौरी साहब ही हैं, और वो बहुत दफ़ा इस शो पे आ चुके हैं बिकॉज आप लोग बार बार उनको बुलाने के लिए कहते हैं। अच्छा, आज का एक बहुत स्पेशल सरप्राइज ये है कि आज हमारी जो ब्राइड टू बी है वो स्पेशली इस्लामाबाद से ऑल द वे आई हैं, क्योंकि उन्होंने हमें ईमेल की, हमें अपना नंबर भेजा, हमने उनको कॉन्टैक्ट किया और इस शो पर आज उनको बुला लिया है। सो दिस इज प्रूफ कि आप चाहे पाकिस्तान में कहीं पर भी हों हम आपको डेफिनेटली बुलाएंगे, बस ईमेल्स करते रहें। तो आप ऐसे करें कि नीचे जो ईमेल एड्रेस लिखा हुआ आ रहा है उसको जल्दी से नोट कर लें और ये शो देखते साथ ही ईमेल्स भी लिखते ताकि इस शो पे मैं पढ़ूं आपकी ईमेल्स को, और नंबर लिखना मत भूलिएगा। हमारे साथ हमारा टॉप सेलिब्रिटी ड्रीम टीम पैनलिस्ट बैठा हुआ है और जल्दी से उनका इंट्रो कराते हैं। सबसे पहले हमारे पास आज जूजू के साथ, लास्ट टाइम सिर्फ जूजू थी, जूजू के साथ शमल है। हाय शमल, हाउ यू? हाय। क्योंकि बेसिकली तो सबको पता ही है कि जूजू का बहुत लंबा मैंने इंट्रो दिया था, बट टोनी एंड गाय से हैं ये दोनों एंड शमल ओन्स इट आल्सो एंड दे आर द टॉप स्टाइलिस्ट्स ओवर देयर, और बहुत ज्यादा ये बिजी होते हैं। बिल्कुल है ना, स्पेशली दीज डेज विद द ब्राइडल सीजन। अच्छा, ब्राइडल सीजन अब थ्रू आउट रहता है, दीज डेज की बात नहीं है। अब तो इंडोर एयर कंडीशनर्स चल रहे हैं तो यू नो तो हेयर डू भी नहीं खराब होता, मेकअप भी नहीं खराब होता। और जहां हेयर डू की बात है वहां मैं आपको बता दूं कि मेरा हेयर डू आज बहुत स्पेशली शमल ने खुद अपने हाथों से मेकअप रूम में बनाया है एंड आई एम श्योर यू गाइस मस्ट बी लविंग इट, कुछ डिफरेंट है इस दफा। उसके बाद हमारे पास है फहद हुसैन एज डिजाइनर, और इनको कौन नहीं जानता, एकदम से इन्होंने बहुत ज्यादा धूम मचा दी है पिछले कुछ सालों में। और ब्राइडल अब मेरा ख्याल है बहुत फहद से लोग बनवाना पसंद करते हैं, काफी ज्यादा आपके डिजाइंस में देख रही हूं आजकल फहद। व्हाट्स हैपनिंग? Not much, just season is driving me insane as usual. और उसके बाद हमारे पास हैं again सलमान गौरी साहब of Eastern Events. अस्सलाम वालेकुम। How are you? मैं बिल्कुल ठीक, और ये इतना amazing सा जो सेट है आज फिर से इन्होंने ही बनाया है, और जैसे कि आपको पता है मेहंदी टॉपिक है आज तो बहुत ही कलरफुल है और बहुत डिफरेंट कलरफुल है सलमान, बहुत अच्छा लग रहा है। This is pink and pink and green and yellow. Pink तीन कलर है, so main color जो हमारा वो yellow है। अच्छा, इसका राज आपको भी बताऊंगी मैं और हम सब मिलके जब ब्राइड आएंगी कि ये इतने कलर्स क्यों हैं। अच्छा सलमान साहब आजकल बहुत ज्यादा बिजी हो गए हमारे लिए, ये आप लोग नोट करें, क्योंकि या ये जल्दी उठ के चले जाते हैं या इनका कोई इवेंट होता है, इन्होंने कहीं जाना होता है, और आज इन्होंने कराची की फ्लाइट पकड़नी है। oh, yes, तो अब जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो ये साथ नहीं होंगे, तो फिर आप ये थोड़ा सा बिफोर ही लीव्स आई लाइक टू टच अपॉन द इवेंट एंड द डेकोर के इतने कलर्स के साथ आपने लाइटिंग कैसी रखी है? देखिए, ब्राइट लाइट इसमें होनी चाहिए और ये ड्रेपरी है, मैंने सारी ड्रेप किया कपड़े को, अगर आप देख रही हैं तो ये फीलिंग ड्रेपरी अब कोई नहीं करता, एक जमाना था जब ड्रेपरी होती थी अब इट्स पता है अनुशी, इसमें ये कि इसमें बहुत ये बड़ा पेनफुल काम है इसमें और इसमें डिटेल बहुत है, डिटेल तो जो भी बंदा ये काम करता है, मेरा जो एक मेरा लड़का है खास, उसका नाम मुबारक नाम है, उसको स्पेशल ट्रेन किया है, वो काम इस तरफ ड्रेपरी करता है, काम बड़ा पेशेंस का काम है, बहुत ड्रीमी और वो लगता है बहुत, इसका बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है उसका। एंड देन इसमें ये कि हमने जो कलर यूज किए इसमें वो पिंक है और येलो है, और आपने जिस तरह से यहाँ पे इनको टाई करके गेंदे के फूल और व्हाइट फूलों के साथ जो फिनिशिंग इफेक्ट दिया है ये थोड़ा सा बहुत डिफरेंट है सलमान, मतलब इनके जो इवेंट्स पे हुआ था जो डेकोर के साथ ये करते हैं वो और किसी शादी पे हमने नहीं देखा बेसिकली, बट इट्स गुड डिफरेंट, गुड डिफरेंट, या एब्सोल्युटली। ये थोड़ा मैंने टच दिया संगीत नाइट का, मैंने अभी लास्ट लाहौर में इवेंट किया है जब आप लोगों ने कवरेज भी किया उसकी, रात आए हुए थे उसमें रात फतेह अली, तो ये संगीत नाइट यू नो कर्टन्स और इस तरह की ये चीजें थोड़ा सा देसी टच होना चाहिए। अच्छा शमल एंड जूजू, व्हाट्स हैपनिंग दीस डेज?
अच्छा मैं लास्ट टाइम बता रही थी व्यूअर्स को कि ये लोग बहुत न्यू एज और कंटेम्प्रेरी ब्राइड्स करते हैं जिनको टिपिकल लुक नहीं चाहिए, स्पेशली उनको तो जरूर जाना चाहिए ट्रोंगेन। एब्सोल्युटली, वो यू नो आजकल जो है ब्राइड्स दे वांट समथिंग डिफरेंट, दे डोंट वांट दैट सेम कड़क करके है स्प्रेड लुक। शामिल द केक पेस्ट्री लुक, जो कि अब बस अब मैं खाली रट चुके हैं जब मैं बोलती हूं कि केक पेस्ट्री खाने के लिए लगने के लिए नहीं है। बिल्कुल, सो आई मीन दैट्स व्हाट यू गाइस डोंट डू, दैट्स व्हाट वी डोंट डू। ऑब्वियसली वी ऑलवेज दिन के आखिर में वी हैव टू डू व्हाट द ब्राइड वांट्स, यू नो, but we try and put our own touch into it and try and kind of modernize it a little bit. Aur inka jo apna touch hai wo yakeenan bahut hi amazing hai aur bahut ek stylish bride nikalti hai jab inka touch ho jata hai. We try. Koshish karte hain. Especially with the hair, we don't want it to look like it's been plastered, you know, and it's like a helmet. Soft. Exactly, because zyadatar salons pe bas wohi hairstyles aate hain unko agar hair spray ke sath usko bas chipka diya, back combing chipka diya, bilkul stiff look. तो वो जो नेचुरल हेयरडूज होते हैं जिस तरह बाहर के मुल्कों में हम देखते हैं उनके चैनल्स पर, उनके मैगजीन्स में, वो यहाँ पे नहीं आते ना लोगों को। So something like what you've got today, which Shamil has painstakingly done for you, you know, something soft and looks like you could do this at home as well. And it just looks much more. But you cannot do this at home. If you want to get this done, आपको टोनी एंड गाय पे ही जाना पड़ेगा. इसीलिए मुझे एज अ सैंपल बना के बिठाया गया है आप लोगों के देखने के लिए. और फहद, आजकल ब्राइडल के हवाले से क्या चल रहा है, स्पेशली मेहंदी के लिए? आई वॉन्ट टू आस्क यू कि आप लड़कियों को क्या कलर्स दे रहे हैं, क्या कट्स दे रहे हैं? आई यूजली वर्क विद वेरी डिफरेंट कलर्स बिकॉज माई डिजाइन फिलोसफी इज वेरी डिफरेंट. मुझे ऑन अ पर्सनल लेवल ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि like this time you have a yellow background and you have a yellow joda, you have a yellow mehndi, you have a yellow chudiyan, like you know you have such a nice color palette. Hamari jo eastern color palette hai wo itni rich hai, itne zyada colors hote hain ki sirf jaundice se bahar nikal aana chahiye. So I tend to use a lot of colors, like aur main usually aajkal mehndiyon mein jaate hu main combinations bana raha hu, like it's a orange color ka dupatta and there's a green color ki shirt and there's a red color ka lehenga. On the complete opposite, I'm making very nude colors, some browns and stuff. तो दो palettes का mood आपका चल रहा है, एक बहुत bright और different contrast. जिन लोगों की decor बहुत ज़्यादा colorful होती है, उनको मैं suggest करता हूँ कि वो कुछ muted से tones पहने ताकि उनका makeup निकले. आप jewelry उसके साथ कुछ colorful करें, आपका set सारा colorful हो, तो वो अच्छा लगता है. Like आप separately नज़र आते हैं, आपकी you don't blend into the background, so that looks nicer. अच्छा, और शामिल और जूजू, अक्सर माइयों मेहंदी पे लड़कियां नहीं कराती बहुत ज्यादा मेकअप. अच्छा, अक्सर तो बिल्कुल धुले मुंह के साथ बैठ जाती है ना. व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. आई नो कि पुराने जमाने वाले लोग कहते हैं बहुत अच्छा लगता है, रूप निकलेगा, रूप निकलेगा ये वो, बट यू बोथ एज स्टाइलिस्ट, आपका क्या ख्याल है? आई थिंक मेकअप लगाना बहुत जरूरी है आजकल के वेडिंग में, बिकॉज यू बहुत अ लॉट ऑफ टाइम्स ये होता है कि ब्राइड बैठी हुई है और सारे उनके गेस्ट जो है वो सारे ड्रेस टू किल, जोड़े इतने कलरफुल, मेकअप इतना और ये वो, एंड देन द ब्राइड काइंड ऑफ वॉशेस आउट. या एब्सोल्युटली, एंड इन द ब्राइड बेचारी वॉशेस या सो एंड द ब्राइड इज देन वी आर आल्सो वेयरिंग समवट यू नो वर्क्ड जोड़ा. हां, बिल्कुल सादा बिकम ग्रैंडर एंड ग्रैंडर ओवर द टाइम. वो जिस 1920s में जब खवातीन बैठती थी, वो जब वो वाले तंबू होते थे, ग्रीन रेड और येलो, डायमंड जमानों के लिए वो चीजें अच्छी थी. पर्सनली आई एम अ वेरी ट्रेडिशनल पर्सन, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन आजकल व्हेन यू आर मेकिंग लाइक रियली हैवी आउटफिट्स, आप इतने भारी जोड़े पहन रहे हैं, इवेंट ही इतना ग्लैमरस हो, इवेंट इतना बड़ा आप कर रहे हो, तो उसके साथ पे धुलावा मुंह, धुलावा मुंह, यू लुक वेरी आउट ऑफ प्लेस. सबका फोकस मेहंदी पे होता है आजकल, मेन आपका फंक्शन में मेहंदी का फंक्शन है. जो दूर पार के गेस्ट्स होते हैं वो बोलते हैं बारात और वलीमा मतलब मेहंदी अटेंड कर लो. स्पेशली जब हम लोग लाहौर में मेहंदी कर रहे होते हैं तो लाहौर में मेहंदी जो है वो समझिए एक बारात है, क्योंकि आजकल जो मेहंदियाँ हो रही है वो ज्यादा फार्मोसिस पे हो रही है. बारात एंड वलीमा फिर होटल्स में या बिनो किसी लॉन में, तो वो टाइम की वजह से 10 अच्छा, हम अक्सर ये बोल चुके हैं स्टोपे के हॉल वाली मेहंदी का मजा भी नहीं आता. नहीं आता, आई डोंट नो व्हाई, बट समहाउ बिल्कुल वो बात ही नहीं बनती. बिल्कुल सही बात, इतना पैसा लगा रहे हैं आप. देखिए आप 7:30, 8:30 आप हॉल में गए और फिर 10 आपने इसको क्लोज करना है. बिल्कुल, और फार्म हाउस पे आई थिंक जगह की कोई वो नहीं होती लिमिटेशन. बिल्कुल, जगह की लिमिटेशन नहीं होती, जो दिल में आ रहा है करो, जितना ग्रैंड आप बड़ा उसको खेलें, बड़े स्केल पे खेलें आप. आजकल लोगों को बड़े डांस फ्लोर भी चाहिए होते हैं. डांस फ्लोर आजकल जो चल रहे हैं, जो आपके जोड़े का कलर है, जो आपके उस पर यू नो आपका कामदानी उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, लाइक जो आप लोगों का काम कर उस पर करते हैं आप लोग, गोटा जो उस पर आपके मोटिव्स हैं, हम वो सेम मोटिव डांस फ्लोर पर हम लेके आते हैं और सारा हैंड पेंटेड होता है वो, और बड़ा वो
आजकल वो हमने स्टार्ट किया लाइटिंग वाला डांस फ्लोर, फैब्रिक वो शीशा है, ग्लास है, उसके नीचे लाइट्स है, डिफरेंट कलर्स की लाइट्स हैं, एज पर और थीम उसको हम लाइट चेंज कर देते हैं। ठीक है, साउंड्स गुड। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि सलमान साहब से खुदाफिज़ करते हैं। बिल्कुल, मैं जाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो एज ऑलवेज। आपको आई नो जल्दी है, बट थैंक यू सो मच कि आप थोड़ा सा आए और थोड़ा सा बता दिया और ये सेट इतना ग्रैंड हमारे लिए बना दिया। हम जाएंगे ब्राइड से मुलाकात करेंगे और जब हम वापस आएंगे तो ज्वेलरी डिजाइनर हमारे साथ होंगी और इवेंट मैनेजर निकल चुके होंगे सेट से। सो यू डोंट गो एनीवेयर एंड बी राइट बैक इसी शो पे जिसका नाम है ड्रीम टीम फॉर योर परफेक्ट वेडिंग। फाइनली आई एम इन लाहौर एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड और अब देखते हैं आगे जाके स्टूडियो में क्या होता है। आई एम सारा, आई एम डूइंग बीकॉम इन इस्लामाबाद एंड आई कम ऑल द वे हियर फ्रॉम इस्लामाबाद जस्ट टू पार्टिसिपेट इन दिस शो। आई एम वेरी हैप्पी कि इन्होंने मुझे मेरी ईमेल का रिस्पॉन्स दिया, दैट्स व्हाई मैं ऑल द वे इस्लामाबाद से लाहौर सिर्फ इसी शो के लिए आई हूँ। मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि मैं आई हूँ, लाहौर पहले भी बहुत दफ़ा आ चुकी हूँ लेकिन मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मतलब मुझे ड्रीम टीम की पूरी टीम मुझे यहाँ पे रिसीव करने आई है और मुझे लगता है कि मेरा ये वाला जो एक्सपीरियंस है ये मेरा सबसे ज़्यादा मेरी ज़िंदगी का एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होगा क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम मतलब कैमरा फेस कर रही हूँ एंड टी वी में भी आने का मुझे फ़र्स्ट टाइम चांस मिला। अभी हम लोग मूव कर रहे हैं स्टूडियोज़ की तरफ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड और मैं बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्शियस हूँ, ब्यूटी कॉन्शियस और आई लाइक doing fashion और मुझे hair do करना बहुत अच्छा लगता है, मतलब different colors, I love doing streakings और मुझे अपने बालों में different shades लेके आना बहुत अच्छा लगता है। इस वजह से मैं अपनी मदर से भी बहुत डांट खाती हूँ। मुझे अपडेट रहने का बहुत शौक है और इसलिए मैं अपने फ्रेंड्स में भी सबसे ज़्यादा अपडेटेड ही मानी जाती हूँ कि मतलब मैं फैशन शोज़ देखती हूँ और मैं वहाँ से जो भी नया फैशन ट्रेंड आता है मैं मतलब वो कैरी करती हूँ और उसके बाद अपने फ्रेंड्स में मतलब शो करती हूँ और सारा। और आई एम वेरी एक्साइटेड कि टू नो हु आर माई पैनलिस्ट्स और अब बस देखें उधर जाके पता चलेगा क्या होगा।